नमस्कार, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे से। उद्धव जी स्वागत है आपका। नमस्कार उद्धव जी, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे काफी आक्रामक हो चुके हैं। दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं, मुंबई के लोग भी देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे काफी आक्रामक है। किसने किया मुझे आक्रामक, आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना, किसने किया? बीजेपी। बीजेपी सिर्फ नहीं, जो एक उनकी नीति चल रही है वो बर्दाश्त करने से बाहर है। खास कर नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, और साथ ही जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारी युति थी 25 साल, पिछले विधानसभा के चुनाव के दरमियान बीजेपी ने युति तोड़ी। अब जब ऐसे लगा था, ना ही मैं या ना ही मुख्यमंत्री जी शायद चाहते थे कि युति टूटे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की चर्चा बात करने के लिए, तो ये आगे लेके जाना मुश्किल हो गया मेरे लिए। क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से आक्रामक नजर आ रहे हैं, 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं शिवसेना को अपमान झेलना पड़ा है। सिर्फ अपमान की बात नहीं, अपमान भी मैं झेल लूंगा, उसकी कोई बात नहीं है। मेरे खुद के लिए तो मैं कुछ ये ऐसी बात बिगाड़ूंगा नहीं, लेकिन तमाम जो प्रोमिसेस किए गए थे, वादे किए गए थे 2014 में, आप बताइए मुझे कितने वादे निभाए गए और कहां ऐसे आपको लगता है कि जो भी वादे किए गए थे उनकी दिशा में हम आगे जा रहे हैं। जितनी सारी बातें हो रही है वो बिना वादे की है। डिमोनिटाइजेशन क्या पहले आपने कहा था? लैंड एक्विजिशन क्या पहले आपने कहा था? अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए। स्विस बैंक से काला धन आएगा, कुछ ये नहीं है। राम मंदिर बनाएंगे कब तक? हर चुनाव में राम मंदिर बनाते रहेंगे आप। तो ये सारी बातें देखकर लोगों का अभी एक भरोसा टूटने लगा है। एक बड़ी आशा थी, सरकार नहीं आई थी तब, और ऐसे में मानता हूं कि उस जमाने में एक विचारधारा थी युति के बीच में गठबंधन होने के लिए, वो विचारधारा शायद अब नहीं रही। आप पीएम को खरी खोटी सुनाते हैं, सीएम को खरी खोटी सुनाते हैं, फिर भी आप सत्ता में हैं। तो मैंने इसके आगे की जो भी बात है, कहते कि आप मुराकुश्ती कर रही है। कांग्रेस की बात छोड़ो, कांग्रेस कहने के लायक नहीं रही अभी तो। कांग्रेस और राष्ट्रवादी का क्या चल रहा था तो वो छोड़ो। मैंने 26 जनवरी को जो भी ऐलान किया है कि इसके आगे मैं युति नहीं करूंगा बीजेपी के साथ। हाँ, इसके पहले जहां भी युति हुई है, ये तो अभी कल परसों चुनाव हो जाएंगे और फिर हम बैठेंगे, देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, और जो भी मुद्दे हमें चाहिए वो अगर नहीं होते तो इसके ऊपर भी सोच सकते युति आगे रहेगी कि नहीं रहेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ दिनों पहले ही कहा कि ये फ्रेंडली मैच है। अब वो ये कह रहे हैं कि बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, महाराष्ट्र की सरकार 5 साल यहाँ पर अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इतने आसानी की आसान बात नहीं है। मतलब जब आप चाहें तो आप युति तोड़ेंगे, जब आपको लगे आप युति बनाएंगे, जब भी आपको लगेगा कि युति तोड़ने में फायदा है तो आप युति बनाएंगे, जब लगेगा युति बनाए रखे या तोड़ने, ऐसे नहीं होता है। तो अब तो विचारधारा की एक बात जरूर रहेगी, खास कर वो ट्रांसपेरेंसी की जो बात कर रहे हैं, तो वो मुझे अब कैबिनेट में लगेगी। कैबिनेट में वो मैं उनको कहूंगा कि कैबिनेट मीटिंग में विपक्ष के नेता होना चाहिए, पत्रकार होने चाहिए और लोकायुक्त भी होने चाहिए। साथ ही साथ जैसे अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के लिए, वहां के लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है तो वहां के किसान, जितने सारे किसान हैं, उनको वो लोन फ्री कर देंगे। तो मैं कहता हूं कि यूपी में सरकार बने ना बने दूर की बात है, महाराष्ट्र में तो सरकार चल रही है ना, तो पहले ये बात महाराष्ट्र में क्यों नहीं करते आप? जितने सारे किसान हैं, काश्तकार हैं, उनको एक बार कर्जा से मुक्ति दिला दो, और उसके आगे जो आपने वचन दिया है वहां पे कि आगे का जो ऋण रहेगा उसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं करते बात? उदय जी, इसके अलावा यूपी में ये भी कहा जा रहा है, उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें ये कहा है कि 15 दिनों में गन्ना किसानों को पैसे मिल जाएंगे, वहां के किसानों को मुक्ति मिल जाएगी कर्ज से। क्या लगता है कितने सही वादे हैं, क्या कहेंगे आप? कितने सारे वादे, ये तो मैंने कहा ना कि बीजेपी ने निभाए हैं। प्रधानमंत्री गए थे बिहार के चुनाव में और तब उन्होंने कहा था कि 1.25 लाख रुपए मैं दे दूंगा, वो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। तो प्रधानमंत्री ने ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमें वोट नहीं दिया तो मैं पैसा नहीं दूंगा। क्यों नहीं दिया आज तक बिहार को पैसा? और यहां विधानसभा के चुनाव के दरमियान वो तो 27 बार महाराष्ट्र में आए थे, बाद में 2.5 साल में कितने बार आए?
इस बार क्यों नहीं आ रहे? आपने तो भरसभा में कहा था कि आप यहाँ पर आइए, सभा लीजिए, फिर भी शिवसेना ही जीतेगी, अब क्यों नहीं आ रहे वो? मैं चाहता था और मैं आज भी कहता हूँ कि शिवसेना की विजय रैली में प्रधानमंत्री जाए, देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के नहीं। आपको लगता आएंगे? मैं मेरा काम कर रहा हूँ। अच्छा उद्धव जी, हमें बताइए कि जिस प्रकार से जब बाला साहब थे तब अटल जी, अडवाणी जी, उनकी बीजेपी और अब के मौजूदा समय की बीजेपी में क्या फर्क है? और बाला साहब ने भी जमीन आसमान का फर्क है। उस जमाने में बीजेपी के मंच पर बड़ी बड़ी व्यक्तियां होती थी, जैसे अटल जी थे, अडवाणी साहब, मुरली मनोहर जी, सुषमा जी, सुषमा जी का राज भी रहती है मंच पर, लेकिन खास कर साधु महंत रहते थे, कभी कभी पता नहीं शंकराचार्य जी भी आए होंगे, साध्वी ऋतुम्बरा जी थी, उमा जी तो अब राजनीति में आ ही गई, लेकिन बहुत सारे साधु संत रहते थे, अब तो गुंडे दिखने लगे, पप्पू कलानी है, बाकी बहुत सारे, उनके नाम मैं क्यों लूं? ये गुंडों को किसने बढ़ावा दिया है, क्या कहेंगे? परिवर्तन बीजेपी में, देश बदल रहा है मालूम नहीं लेकिन बीजेपी बदल रही है। अब ये कह रहे हैं कि आपने जिस प्रकार से कहा कि उस दिन भी सामना में भी कहा कि गुंडा मंत्रालय होना जरूरी है, क्या मतलब है? जरूरी नहीं, शायद हो जाएगा, मेरे मतलब मैं तो बातों का पतंगड़ बन जाएगा मेरे, तो जरूरी नहीं, मैंने कहा कि शायद गुंडा मंत्रालय भी हो सकता है इनके कार्यकाल में, इतने सारे गुंडे वो ले रहे हैं और नामचीन गुंडे। उद्धव जी, जिस प्रकार से नवीन पटनायक एनडीए का हिस्सा थे, वक्त रहते वो उन्होंने इरादे देख लिए कि बीजेपी क्या कर रही है, वो साइड में हो गए, नीतीश कुमार भी, ममता जी आज वो सत्ता में है, ममता जी, वो सब सत्ता में है, फिर शिवसेना क्यों रुकी इतने दिन? शायद हम भूले थे बहुत साल, और ये भी आपको पता है, याद है कि शिवसेना ही सबसे पहले बीजेपी के साथ गई, मेरे पिताजी ने कई बार आह्वान किया कि हिंदू वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, फिर बाबरी की बात उस जमाने में चल रही थी, फिर बाबरी गिर गई, सारी भागम भाग हुई थी बीजेपी के डेरे में, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था, जिम्मेदारी छोड़ो कोई रुकने के लिए नहीं तैयार था, और तब बाला साहब ने कहा कि किसी ने कहा था, सुंदर सिंह भंडारी जी, उन्होंने कहा था कि हमारा काम नहीं, शायद शिवसैनिकों ने किया होगा, तो बाला साहब ने कहा कि अगर ये काम मेरे शिवसैनिकों ने किया हो तो उनके ऊपर मुझे गर्व है, तो वो एक बीजेपी तब से आज तक हम एक भावना से जुड़े हुए थे, और मेरे पिताजी ने कहा था कि आप पूरा देश संभालो, मैं मेरा राज्य संभालूंगा। फिर आपके नेता क्यों नहीं ये सुन रहे हैं जिस प्रकार से? अभी मैं कैसे कहूं कुछ, मैं मेरी बात जहां तक मेरी बात मैं कह सकता हूं, उनकी बात मैं कैसे कह सकता हूं, उनको पूछो। अच्छा उद्धव जी, हमें बताया कि गुजरात का 23 साल का नौजवान यहां पर आया मातोश्री पर, आपने उनका हार्दिक स्वागत किया, कभी आप कहते हैं कि अखिलेश को एक मौका मिलना चाहिए, काफी अच्छा काम कर रहा है, क्या कहे इसको, मतलब ये कुछ अलग हो रहा है या अलग होने जा रहा है? सुनो, पहले हार्दिक की मैं बात करूं, हार्दिक तो 23 साल का बेटा बच्चा है और वो आज के दिन तो चुनाव ही नहीं लड़ सकता, उसकी उम्र ही नहीं है। फिर मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी मतलब पार्टी फॉर्म करने की कोई सोच उनकी आज तक तो बनी नहीं है, आगे की बात आगे देखेंगे। अखिलेश के बारे में मैंने यही कहा था, उनके परिवार में जो कुछ बीच में हुआ, संघर्ष हुआ, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये परिवार में झगड़ा लगाया गया, पता नहीं किसने लगाया हो तो पता नहीं, और इसलिए मैंने अखिलेश का अभिनंदन किया था कि सबके ऊपर सबसे वो निकला बाहर और काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारे भी शिवसैनिक लड़ रहे हैं और अच्छी खासी सीट्स हम लड़ रहे हैं, हमारे जो विचारधारा है वही लेकर हम आगे जाएंगे, देखते हैं आगे। नोटिस पीरियड की आपने बात की, मैंने नोटिस पीरियड की बात नहीं की थी, किसी ने मुझे पूछा कि क्या ये नोटिस पीरियड माना जाए, ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन अभी आप देखा होगा कि आज का ही स्टेटमेंट है, शरद पवार साहब ने ये कहा है कि मैं पत्र लिखकर देने को तैयार हूँ महाराष्ट्र के राज्यपाल को, शिवसेना भी वही करे और आओ साथ में मिलकर हम सरकार, मेरी पार्टी में चला रहा हूँ पवार साहब ने। अभी आप मनमोहन सिंह की बात करें तो आप उनकी भी तारीफ कर रहे हैं जिस प्रकार से, तारीफ नहीं की मैंने, जब मोदी जी ने कहा कि रेनकोट पहनकर नहाने की कला शायद मनमोहन जी को अवगत हुई है, मान ली बात, उसके बाद जब डिमोनेटाइजेशन की बात आ गई तो उर्जित पटेल जी को बुलाया गया एक कमेटी के सामने, उर्जित पटेल जी रिजर्व बैंक के गवर्नर है इसलिए उनको बुलाया गया और कुछ सवाल उनसे पूछे गए, तब मनमोहन जी आगे आए, उसके पहले मनमोहन जी ने इसके खिलाफ अपना जो स्पीच है वो दिया था, अपनी राय रखी थी, और मनमोहन जी ने अपना रेनकोट उर्जित जी को पहनाया, नहीं तो उर्जित जी पूरे भीग जाते।
अभी आपने एक बात भी कही कि जिस प्रकार से रेनकोट की वो बात कर रहे हैं लेकिन खुद 10 लाख का कोट पहनते हैं। अभी ये तो बहुत सारे मुद्दे मैंने भाषण में कहे, आपने कवर किया होगा। उद्धव जी, क्या ऐसी वजह है कि इस बार बीएमसी के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का भी मुद्दा उठाया गया, नोटबंदी का मुद्दा उठाया गया? आपने सामना में कहा कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, यहाँ से वो नोटबंदी की बात सीखी। हाँ। क्यों ऐसी वजह है? सड़क नहीं, 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 पानी नहीं, 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 वो तो उन्होंने उठाए ना मुद्दे। नोटबंदी हमेशा रोज हम बीएमसी की बात करें वो तो कर ही रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश की भी तो कभी बात करें। और इसलिए जो बातें हमें बताई गई थी, डिमोनेटाइजेशन क्यों किया, तो आतंकवाद रुक जाएगा, काला धन नष्ट हो जाएगा, फेक करेंसी रुक जाएगी, करप्शन बंद हो जाएगा। आप बताओ इसमें से क्या हम अचीवमेंट क्या है हमारी? सब जारी है। और अगर आतंकवाद का मुकाबला करना है तो ट्रंप ने कहा था कि मैं इनको आने नहीं दूंगा, उनको आने नहीं दूंगा, वो वॉल बनाऊंगा, इतनी सारी बातें करने की जरूरत नहीं ना। वो भी अगर ये नोटबंदी करते या पूरे दुनिया में विश्व में अगर नोटबंदी करेंगे तो आतंकवादी अपने आप मर जाएंगे। उद्धव जी, एक अलग मुद्दा है, जिस प्रकार से थाने में एक सभा हुई, सीएम की सभा के बाद शिवसैनिकों ने वहां पर गाजर बांटे, कुछ अलग है ये? क्या है, क्या गाजर क्यों, क्या लगता है आपको? आप पूछो ना, लोग क्या, लोगों की भावना क्या है? जितने सारे वादे वो करते हैं वो झूठे साबित हुए हैं। कल्याण डोंबिवली के बारे में उन्होंने कहा था 6,500 करोड़ रुपए दे दो, एक पैसा नहीं आया। 27 गांवों का सवाल था, वो भी कुछ किया नहीं। तो जितने भी वो बातें करते हैं वो सारे झूठे रहते हैं। उद्धव जी, बीएमसी चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा कहां तक जायज है? बीजेपी कहती है कि राम मंदिर का मुद्दा क्यों, विकास की बात कीजिए, 22-25 साल आपके साथ सत्ता थी, क्या किया उस पर बात कीजिए, राम मंदिर पर बात क्यों करना है? मैं कहां राम मंदिर की बात कर रहा हूं, मैं उनके वो कैसे झूठे हैं वो लोगों को दिखा रहा हूं, वो दिखा रहा हूं कि वहां पार्लियामेंट के चुनाव हो तो भी राम मंदिर बांध देंगे, विधानसभा के चुनाव आते तब भी वो राम मंदिर बांधते हैं, नगर निगम के भी उत्तर प्रदेश में चुनाव आते तब भी वो, पंचायत के भी चुनाव आते तब भी वो राम मंदिर बांधते हैं। तो ये झूठापन मैंने सबके सामने लाया। मैं यही कहूंगा कि सारे नगर निगम में और जिला परिषद में जहां जहां शिवसेना है, सब मतदाताओं को आह्वान करता हूं कि भरोसा रखें, हम आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उद्धव जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज 24।